हंसो, मुस्कुराओ और जिंदगी को रंगीली बना लो। निराशा में भी आशा की किरणों को जगा लो। कामयाबी की हर ऊंचाई आपके कदमों में होगी। सच्ची नीयत और मेहनत को अपने जीवन में बसा लो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उस टॉपिक पे जिससे आज का युवा ही नहीं बल्कि हर पीढ़ी जूझ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार 43% इंडियन डिप्रेशन का शिकार है। दोस्तों, ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से हम डिप्रेस फील करते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए डिप्रेस होना नेचुरल है, लेकिन जब कोई भी खुशी आपकी उदासी को कम ना कर पाए उस समय आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ऐसी सिचुएशन में डिप्रेशन साइलेंट किलर बन जाता है। इसी वजह से कुछ लोग सुसाइड जैसा खतरनाक स्टेप उठा लेते हैं। दोस्तों, जिसे खत्म करना चाहिए वो जिंदगी नहीं डिप्रेशन है। आपको परेशानियों से नहीं हारना बल्कि परेशानियों को हराना है। दोस्तों, ये वो सिचुएशन है जिसमें आपका किसी काम में मन नहीं लगता, आपको हर काम से इरिटेशन होती है जिसकी वजह से आपके रिश्तों में भी दरार पड़ने लग जाती है। दोस्तों, हर किसी के डिप्रेस होने का अलग रीजन होता है। कुछ लोग फेलियर की वजह से डिप्रेस हो जाते हैं, तो कुछ लोग कैरियर को अचीव ना कर पाने की वजह से, तो कुछ स्टूडेंट्स अच्छी परसेंटेज ना ला पाने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों, क्या कागज की डिग्री आपके हेल्थ से ज्यादा जरूरी है? दोस्तों, अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है, ना कि डिप्रेशन में जाने की। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी में ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में जाने का ट्रेंड सा बन गया है। अपने दिमाग में कभी भी नेगेटिव थॉट मत लेकर आओ, क्योंकि आपके थॉट्स ही आपके नजरिए को निर्धारित करते हैं। दोस्तों, मैं अब वो पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप डिप्रेशन से बाहर निकल पाओगे। दोस्तों, सबसे जरूरी है कि आप छोटे छोटे गोल सेट करो। जब आप गोल अचीव करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप सोशल सर्विस या दूसरों की हेल्प करो, इससे आपको अपने आप पे गर्व होगा और खुद अच्छा महसूस करोगे। आप हर रोज करीब 30 मिनट तक वो एक्टिविटी करो जो आपकी फेवरेट है। ये आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आप हमेशा प्रेजेंट में रहो, कभी भी अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में मत सोचो, क्योंकि आपका पास्ट चेंज नहीं हो सकता और प्रेजेंट में जो करोगे वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के संपर्क में रहो जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करें। बायोग्राफी सीरीज और मोटिवेशनल वीडियोस देखो, इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि आप में वो खूबियां हैं जो सामने वाले में नहीं है। दोस्तों, कितनी भी खराब सिचुएशन हो, एक रास्ता जरूर मिलता है बाहर निकलने का। दोस्तों, आप इतनी सी बात ध्यान में रखो कि इस यूनिवर्स में कोई भी थिंग परमानेंट नहीं है, तो आपकी सिचुएशन कैसे परमानेंट रह सकती है? WHO की रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 के इस दौर में डिप्रेशन के मामलों में तेजी से उछाल आया है। समझता हूँ बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, आपके बिजनेस ठप हो गए, आपके सभी इनकम के रास्ते बंद हो गए, तो क्या इसकी वजह से आप जिंदगी को हार जाओगे? दोस्तों, पूरा वर्ल्ड इस परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन आपको इस समय भी रुकना नहीं है। अपने आप को तराशते रहो, अपने आप को इतना चमका लो कि जब भी मौका मिले तो कोई टक्कर में भी ना आए। दोस्तों, सफर बहुत लंबा है तो चलते रहिए। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड वाली घंटी जरूर दबाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो बाकी दोस्तों में भी शेयर करें।